विवेक बिन्ना जी ने भारत के 125 करोड़ बहुजनों को, दलितों को, शूद्रों को, शूद्र मतलब 6,743 जातियों में कि जेलों में कुछ कहा है कि इनको शासक नहीं होना चाहिए, इनको बचाएंगे उत्पात, इनको हाँ उत्पात बचाएंगे। देखिए ये मानवादी है, इंजीनियर अनिल जी हैं हमारे साथ में, जो कि पूरे जितने भी बहुजनों में एक्टिविटी होती है उस पर अपना वक्तव्य भी देते रहते हैं। अभी कुछ दिनों से, लगभग 2-3 दिनों से विवेक बिंद्रा जी छाए हुए हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग शूद्र हो और शूद्रों को उस उपाधि पे नहीं बैठने का अधिकार होना चाहिए जिस पे आप उत्पात आकर के मचाए, तो इस पे आपका क्या वक्तव्य रहेगा सर? माननीय बहुजन दस्तक चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद चौधरी नमो बुद्धाय। मनोर आपका प्रश्न विवेक बिंद्रा पर है और जिनको लोग, जो मनवादी लोग, इनको मोटिवेटर कहते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ मुझे लग रहा है उनका नाम आज से विवेक बिंद्रा डीमोटिवेटर कह देना चाहिए। अच्छा हाँ, डीमोटिवेटर जो है, डीमोटिवेट मतलब भाई मोटिवेटर वो होता है जो मनुष्य में ऊर्जा होता है, जो मनुष्य का खुशी देता है, जो मनुष्य का सम्मान करता है, जो मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना लगाता है। और विवेक बिंद्रा जी ने भारत के 125 करोड़ बहुजनों को, पूरे 125 करोड़ बहुजनों को, जो कहते हैं दलितों को, शूद्रों को, शूद्र मतलब 6,743 जातियों की जेलों में कैद लो, 6,743 जातियों में कि जेलों में कैद हिंदू लोग, चौथे क्लास के हिंदू लोग, उनको कहा है कि इनको शासक नहीं होना चाहिए, इनको निर्णय लेने वाले उस पर रोल में नहीं होना चाहिए, इनको बचाएंगे उत्पात, इनको हाँ उत्पात बचाएंगे। देखिए ये मानववादी है, ये ब्राह्मणवादी है, और मुझे लग रहा है विवेक बिंद्रा का इन 125 करोड़ लोग जो उनके फॉलोअर है, जो SC ST OBC जातियों के, उनको एकदम उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, उनको चैनल खोल देना चाहिए। विवेक बिंद्रा जी यही तो समस्या है, इन ओबीसी को, विवेक बिंद्रा को ये पता नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, मुझे नहीं पता उनकी क्या नॉलेज है, हो सकता है MBA वगैरह किया है, लेकिन मैं भी इधर MBA हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको विवेक बिंद्रा को डॉक्टर अम्बेडकर से पढ़ना चाहिए। उन्होंने विवेक बिंद्रा ने बुद्ध को नहीं पढ़ा, उन्होंने विवेक बिंद्रा ने ज्योतिबा फुले ओबीसी के लीडर महाराष्ट्र पिता ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा, ज्योतिबा जो विवेक बिंद्रा ने अगर ज्योतिबा फुले को पढ़ लिया होता तो ये बात नहीं कहते। विवेक बिंद्रा ने रामास्वामी नायक जो ओबीसी थे उनको नहीं पढ़ा, विवेक बिंद्रा ने मनोहर काशीराम साहब से लेकर के जितने महापुरुष हैं, मान्यवर ललन सिंह यादव को नहीं पढ़ा, रामस्वरूप वर्मा को नहीं पढ़ा, कैसे ओबीसी है, फर्जी ओबीसी होंगे विवेक बिंद्रा, फर्जी जैसे फर्जी ओबीसी भी तो घूम रहे हैं, तो विवेक बिंद्रा फर्जी ओबीसी होंगे, उन्होंने बहुजन विचारधारा के बहुजन नायकों को नहीं पढ़ा, तो महिलाओं से सख्त नफरत करते हैं, हाँ तो है, उनको जेल में जाना चाहिए, उनकी पत्नी ने FIR दर्ज करी तो दी है। मुझे लग रहा है कि विवेक बिंद्रा जी को बिजनेस करना भी नहीं आता, कैसे मोटिवेटर है, अरे उनको तो बात करनी चाहिए, मान सम्मान की बात करनी चाहिए, अपमान की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो RSS का प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है RSS ने उनको डराया हो, धमकाया हो, इस वजह से कि तुम्हारे इतने फॉलोअर है, तुमने लाखों फॉलोअर है, तो तुम इस तरह की एक बात करो, शूद्रों को इज्जत करो, हो सकता RSS कहीं ऐसा तो नहीं है धड़ा की राजनीति विवेक बिंद्रा के चैनल के थ्रू करवाना चाह रही हो, तो विवेक बिंद्रा जी आपको भारत के जो बहुजन वकील है ना, वो आपको जेल में डालने का काम करेंगे, FIR जरूर दर्ज कराएंगे बहुजन वकील लोग। क्या उनको मतलब ये नहीं लग रहा है कि इतने बड़े समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला, जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी है, हाँ। वो दिखाई नहीं दे रहा उनको, हाँ। क्योंकि सत्य में नहीं है, क्या इसका भी अभाव कुछ हो सकता है कि इसलिए, हाँ, ये एक्चुअली विवेक बिंद्रा नहीं बोल रहे, ये RSS ने लिख करके उनको स्टेटमेंट दिया होगा, ये बोले तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, बहुत मोस्ट मुखौटा है ऐसा विवेक बिंद्रा, विवेक
जो है मुझे लग रहा है उनका विवेक ही खत्म हो गया, अभी अभिवेकशील हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि काश उन्होंने तथागत बुद्ध को पढ़ा होता, मूसा वादा वेरमणि सिखा पदम समाधियामि, काश विवेक बिंद्रा ने कबीर को जान लिया होता, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप शीतल हो। आप तो पेट्रोल छिड़क रहे हैं, आप तो पेट्रोल डालने का आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज वैसे ही प्रताड़ित है, आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं बहुत सारे चार से बहुजन स्टूडेंट मिल गए थे, कहीं विवेक बिंद्रा को पीछे फिर के आगे। संस्कृति की आप बात कह रहे हैं, वो संस्कृति उनको वो सूत्र में जरूर पैदा हुए हैं, मगर वो संस्कृति मिली नहीं है ना। हिंदू रीति रिवाज की जो संस्कृतियां वो उनको मतलब उनके इसमें चले गए, वो हाईजेक हो गए। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, पता नहीं मुझे कि विवेक बिंद्रा किस जाति से हैं, लेकिन अगर उन्होंने बहुजन महापुरुषों का आंदोलन पढ़ा होता, अगर उन्होंने बहुजन महापुरुष तथागत सम्यक संबद्ध फुले पेरियार रामास्वामी नायकर और साहूजी महाराज से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा होता, उन्होंने अगर भारत का संविधान पढ़ा होता तो ऐसी हरकत नहीं करते, बड़ी गलत हरकत है। और उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा भी है, उन जैसे लोगों का क्या इलाज क्या होना चाहिए, जेल में सीधे इनका इनका इलाज है जेल, और वैसे उनकी पत्नी ने उन्हें जेल में पहुंचा ही दिया। देखिए ये बहुजन विचारधारा को अपना ले उनका कल्याण होगा, लेकिन उन्होंने तो उन्होंने मनवादी विचारधारा अपनाई हुई है। तो अगर विवेक बिंद्रा को भारत में बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो ऐसे किसी भी बिजनेस करने वाले को, विवेक बिंद्रा ही नहीं जो भी भारत में बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं बिजनेस करने वाले लोगों को, कि अगर आप भारत के 125 करोड़ बहुजनों को अपमानित करेंगे तो ये बहुजन अगर आपका सामान खरीदना बंद कर दे फिर क्या होगा। अगर अग्रवाल स्वीट से अगर मिठाइयां बहुजन का 125 करोड़ बहुजन मिठाइया खरीदना बंद करे, पता चला अग्रवाल स्वीट तो खत्म हो जाएगा। अगर देखिए अगर ये बहुजन लोग कपड़े की दुकानों से कपड़े खरीदना बंद कर ले, ये कपड़े की दुकानें खत्म हो जाएगी, इनका तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कोई सेटअप तो तैयार नहीं है ना, इतने बड़े समाज का कोई सेटअप तो तैयार नहीं हुआ। बात बोलना चाहूंगी, सर ने बोला कि इनका जो बिजनेस है बंद हो जाएगा, लेकिन आप अगर अपनी वाइफों को अगर रोक लो ना तो इनका बिजनेस वैसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मेन जो इनके बैंक है ना आपकी वाइफ है, क्योंकि आप कमाते हो और आप अपनी वाइफ को पैसे देते हो और वो बैंक है उनकी, वो उनके माइंड में अपनी थिंकिंग डालते हैं, सोच डालते हैं और सारा पैसा हड़प लेते हैं। अच्छा तो ये सही कहा, चल रहा है बहुत सही कहा, बहुत सही कहा बहन ने, बहुत सही बात कही है कि अगर बहुजनों की ये महिलाएं ये बात जान ले, जो जो लोग जो मनवादी लोग उन्हें उनका उनका सम्मान छीनते हैं, ऐसे मनवादियों के बिजनेस का बहिष्कार करें, ऐसे मनवादियों की विचारधारा का बहिष्कार करें, उनके आचार विचार संस्कार त्योहार और व्यवहार इन पांचों चीजों का बहिष्कार करें, सर, तो सर, फिर मैं मनवादी लोग बात करता हूँ, मगर अब बहुजनों ने वो प्लेटफॉर्म तो तैयार नहीं किया ना, आपके लोग उद्योगपति नहीं है, आपके लोग किसी प्राइवेटाइजेशन उस ओहदे पर नहीं है, आपके लोग मंत्रालय में नहीं है, आपके लोग राजनीति में नहीं है, आपके लोग संसद से भगाए जा रहे हैं, तो कैसे होगा ये। देखिए माननीय सभी को बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, तो ये बहुजन लोग अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते तो कौन क्या कर सकता है इनके लिए। माननीय काशीराम साहब ने समझाया, पेरियार ने समझाया, तथागत बुद्ध ने समझाया, तथागत बुद्ध कभी समझाते रहे, कबीर समझाते रहे, रविदास समझाते रहे, ऐसा चाहूं राज में तो मिले सभी को अन्न, तथागत बुद्ध ने समझाया तन बुद्धानुशासनम, माननीय काशीराम साहब समझाते रहे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जब ये वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई इन्होंने वोट की बात नहीं की, और ये अपना वोट 5 किलो अनाज में बिक जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। हाँ जी हाँ जी, कि जो भी सर ने बोला कि जो लड़ाई चल रही है आज हमारी संगठन को लेकर चल रही है, हमारी जो सत्ता नहीं है, हमारी सत्ता आई नहीं कहाँ से, कि जो हमारे समाज के लोग हैं अलग अलग बट कर राजनीति कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, अगर वो राजनीति भी करना चाहते हैं तो एक ही मंच पर आकर करें ना, मायावती को कौन प्रधानमंत्री बनाएगा। एक सवाल निकल कर गया है, जबरदस्त सवाल निकला है बहन जी, में सवाल का बहुत गंभीर प्रश्न है और देता हूँ।
बहुजन का बहुजन मंच क्यों नहीं बनता? जैसे जैसे इंडिया गठबंधन बनता है, इंडिया गठबंधन बनता है, तो बहुजनों का बहुजन गठबंधन। अब 2024 में ये वक्त आ गया है, 2024 में अभी 15 दिन का इंतजार करिए, 24 की बात कर रहे हैं, 24 में नहीं बनेगा गठबंधन। बहन जी सिर्फ 15 दिन इंतजार करिए, सिर्फ 15 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में भारत को बहुजनों का बहुजन गठबंधन बना हुआ मिलेगा। और जो अभी 22 दिसंबर को बहन जी ने जो ट्वीट किया है, अभी तो सिर्फ ट्वीट किया है, सारी सारी पार्टियां चुप हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। बहन जी बहुजन समाज बहिष्कार भी करने लग गया बहन जी का, कि उत्तराधिकारी जो अपने भतीजों को सौंप दिया है वो इंतजार ही कर रहा था वो समाज। कुछ और क्या होगा, रणनीतिक प्रश्न है, रणनीति बहन जी की रणनीति अलग है। मुझे लग रहा है अब बहुजन समाज पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ने वाली है, अब 2024 में विजय का युद्ध होने वाला है। मैं ये बात 24 दिसंबर 2023 को अंबेडकर भवन से कह रहा हूँ, 2024 में मोदी बनाम माया होगा। जो हमारे लीडर है वही सही नहीं है, अगर एक मंच पे आना और एक मंच पर आकर लड़ना है तभी हमारा कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर हम राजनीति करेंगे अलग अलग संगठन बनाकर, तो कभी हमारे देश का हमारे समाज का कुछ नहीं होगा। फिर वही दोबारा से वही प्रश्न आ गया निकल के, प्रश्न इसका सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन हम बताइए। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। बहुजनों को बहुजन विचारधारा राजनीति करनी होगी। दो विचारधाराएं हैं इस देश में, एक बहुजन विचारधारा और एक ब्राह्मणवादी विचारधारा। तो जितनी 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 पार्टियां SC ST OBC माइनॉरिटी की सभी पार्टियां अगर वो बहुजन विचारधारा पे राजनीति करें तो फिर ये इसका हल निकल सकता है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।